ज्यादा हिल रहा है, इतना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना ज्यादा हिलेगा ये ब्रिज। यहाँ पर आकर ना इससे लग रहा है हम कहाँ पहुँच गए, पूरी दुनिया से दूर है, सिर्फ नेचर के बीच में ही है। हेलो, व्हाट्स योर नेम? आपका नाम? सैयक। तो स्लोली स्लोली आगे चलते हैं, स्टेप स्मॉल रखते हैं। He's Sarek. ये पोलैंड से आया है। एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, बिकॉज आज हम आप लोगों को दिखाने लगेंगे नेपाल का सस्पेंशन ब्रिज, जिसे हैंगिंग ब्रिज भी कहा जाता है। ये बिल्कुल हैंग किया गया है एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी तक। आप लोगों ने हमारे प्रीवियस व्लॉग के अंदर देखा होगा कि हम लोगों ने आपको तीन बेस्ट जगहें दिखाई थी ऑफ पोखरा। सबसे पहले हम लोग गए थे फीवा लेक, देन उसके बाद आप लोगों को लेकर गए थे गुप्तेश्वर महादेव केव, एंड देन उसके बाद हम लोगों ने कवर अप किया था देवीज फॉल, एंड अब हम लोग पहुंच गए हैं सस्पेंशन ब्रिज। नेपाल में ऐसे सस्पेंशन ब्रिज जिन्हें हैंगिंग ब्रिज भी कहा जाता है, बहुत 100 से भी ज़्यादा है। ये इसलिए बनाए गए थे ताकि लोग एक जगह से, एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी तक आराम से जा सके, अदरवाइज उनको बहुत ज़्यादा रास्ता लंबा ट्रैवल करके जाना पड़ता है। एंड ये लोग अपने रोज़ाना की ज़िंदगी में भी इससे ट्रैवल करते हैं, जैसे कि आपको मैंने अभी दिखाया कि बच्चे भी यहाँ पर स्कूल से जाना पसंद करते हैं, स्कूल्स भी इनका एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी है, तो बस ऐसे ही रोज़ाना ट्रैवल करते हैं। हम लोगों ने भी यही सोचा था कि हम लोग जब नेपाल जाएंगे ना, तो एक बार सस्पेंशन ब्रिज ज़रूर देखेंगे, बिकॉज दिल्ली में तो नहीं है ऐसा कुछ, तो हम लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा नई चीज़ है ये। अगर आप ये देखोगे ना, दिस इज़ वेरी स्कैरी, मतलब ये ब्रिज बना हुआ है एंड नीचे बहुत बड़ी, जैसे खाई कह लो, नीचे नदी भी बह रही है। आपको दिखाती हूँ, ये पूरी नदी है, आमने सामने ऐसे पहाड़ है। ओ माय गॉड, आप लोग देखते हैं एक ब्रिज से दूसरी ब्रिज पर ऐसे भी ये लोग लेकर जाते हैं, मतलब गाय वगैरह भी जाती है, एंड मैं तो सामने से आते डर गई थी, बिकॉज इतनी यहाँ पर स्पेस नहीं है चलने की, मतलब ये तो इतना ज़्यादा हिल रहा है ना, यहाँ पर खड़े होकर ऐसा लग रहा है यार, बहुत डर लग रहा है मुझे। एंड लेट्स गो, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आगे आगे चलते हैं। मैं तो देख रही हूँ बच्चे इतना आराम से ट्रैवल करके जा रहे हैं, वो कितना मतलब एवरी डे के लिए इतना ज़्यादा यूज टू हो गए होंगे ना ऐसे ट्रैवल करके, लेकिन हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा नया है ये। मुझे तो लग रहा है गौतम आगे आने ही नहीं वाले, एंड इस ब्रिज पर अभी सिर्फ गौतम और मैं ही रह गए, एंड लास्ट में वो काव है जो अभी आगे तक चली गई है, बहुत दूर लग रहा है। एंड ऊपर भी अगर आप देखोगे ना, सूरज की किरणें, और मतलब माहौल तो बहुत अच्छा लग रहा है, बट थोड़ा डरावनी भी लग रहा है मुझे। एंड जैसे कोई आगे से चल कर आता है ना, तो ये पूरा ब्रिज ऐसे ही हिलने लग जाता है। देखो, आपको थोड़ी आवाज़ भी आ रही होगी, एंड यहाँ से पूरा व्यू देखो कितना अच्छा लग रहा है, यहाँ से व्यू। मुझे पहले ऐसा लग रहा था कि हाँ इतना ज़्यादा तो मतलब हिलेगा नहीं, बट ये अब ब्रिज के ऊपर जैसे जैसे हम वॉक कर रहे हैं ना, तो ये बहुत ज़्यादा हिल रहा है और आवाज़ भी आ रही है ब्रिज में से। तो स्लोली स्लोली आगे चलते हैं, स्टेप स्मॉल रखते हैं, एंड अगर आपको दिखाऊँ अभी मैं मिड में भी नहीं पहुँची हूँ ब्रिज के। आकर ना मतलब ऐसे लग रहा है कि आप एक मेट्रोपॉलिटन सिटी के शोर शराबों से बहुत एक पीसफुल वाली जगह पर आ गए हो, जहाँ पर सिर्फ शांति है, नीचे आपको नदी की आवाज़ सुनाई दे रही है, आमने सामने सिर्फ पहाड़ी पहाड़ है, ग्रीनरी है, नेचर के बीच में है। अनेक इन तारों से इसको जोड़ा गया है, वो आप देख सकते हैं, इतनी पतली पतली से तार है, मे बी ये बहुत सॉलिड तो होगी तभी इतना ज़्यादा ब्रिज को हैंग किया गया है, एंड नीचे भी वो पतली सी वायर जा रही है जो नीचे जा रही है। एंड ये ब्रिज है, अभी तो इस टाइम पर कोई भी नहीं है हम दोनों के अलावा। अगर आप भी हमारे तरह से नेपाल घूमना चाह रहे हैं और कुछ एक्साइटिंग सी क्रेजी डील्स देख रहे हैं, तो जस्ट आपको एक सिंपल सा स्टेप फॉलो करना है। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने एक लिंक मेंशन कर दिया है, जिसके ऊपर आप जाकर क्लिक करोगे तो आपको एक आस्क फॉर कोड का एक ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करते ही आपको जस्ट एक बेसिक से डिटेल्स है जो आपको फिल करनी है, एंड आपको वहाँ पर जाकर एक अमेजिंग सा पैकेज दिख जाएगा। अगर आपको कोई भी हेल्प या अगर आपको एडवाइजरी चाहिए रिगार्डिंग ट्रिप प्लानिंग, तो वो भी आपको मिल जाएगी, जस्ट आपको दिए गए लिंक जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया उस पर जाकर क्लिक करना है। गौतम को तो मैं बिल्कुल मना मना कर लेकर आई हूँ कि थोड़ा सा और आगे आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, कुछ नहीं होता। कौन
कौन सी मूवी? राम 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 तो आप राम राम नाम लो और चलते चलो, मतलब यहाँ पर आकर ना इससे लग रहा है हम कहाँ पहुँच गए, पूरी दुनिया से दूर है, सिर्फ नेचर के बीच में ही है एंड बहुत ज़्यादा काम है, बहुत ज़्यादा शांति लग रही है यहाँ पर। एंड हम लोगों ने ना यहाँ पर अगर ये नोटिस करा है कि पोखरा हमें ना काठमांडू से ज़्यादा बहुत ज़्यादा पीसफुल, बिकॉज इतना ना क्राउडेड नहीं है ये जगह जितनी कि काठमांडू हमें लग रही थी, बट वो थोड़ा सा हैपनिंग एरियाज में आता है एंड ये थोड़ा सा जैसे पीस वाला कह लो या साउथ गोवा टाइप वाली फील आ रही है यहाँ पर आकर। आंटी तो आराम से आ रही है। आंटी आपको डर नहीं लगता? डर नहीं लगता यहाँ पे? लगता है? नहीं लग नहीं। तो यहाँ के लोग बोलते हैं कि उनको डर ही नहीं लगता, उनकी स्पीड इतनी तेज होती है तो आराम से निकल जाता है, हम लोग वहीं खड़े रहते हैं सोचते हो कि अब चले आगे चले। एंड यहाँ से भी अगर आप देखोगे ना पीछे पूरी माउंटेन्स की रेंज दिख रही है, प्लस ये जो आप सेंटर में देख रहे हैं ना ये है व्हाइट स्तूपा। अगर हमारा पूरी कोशिश रहेगी, अगर हमें टाइम मिला तो आपको यहाँ पर भी लेकर जाएंगे, बट यहाँ से जो व्यूज आ रहे हैं ना वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, मन ही नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का। मतलब अगर आप लोग भी आओगे ना तो नेपाल में बहुत सारे सस्पेंशन ब्रिज है, ओवर 100 सस्पेंशन ब्रिज है, आप कहीं पर भी जाना बट ये चीज़ को एक्सपीरियंस जरूर करना अगर आपको हाइट से फोबिया नहीं है। He's holding a rock. Hi. Hello. Namaste. Hello. Hello, Vanda. Hello. आप कहाँ स्कूल गए थे आप? आज स्कूल गए थे या पढ़कर आ रही है? स्कूल? अच्छा आज स्कूल गए थे, छोटी सी है, डरती होगी ना। क्या नाम है आपका? रियंसा। रियंसा। नाम तो आपका बहुत अच्छा है। और आप इनकी मम्मा? आप कौन? मम्मी। मतलब ये तो है ही, जब तक आप खुद चीज़ें एक्सप्लोर ना करो, खुद से आकर वो चीज़ें ना देखो ना, तो तब तक मतलब वो मज़ा नहीं आता। दूसरों की चीज़ें देखते हैं, व्लॉग्स वीडियोस, तो हाँ मतलब मन तो करता है कि चाहे जैसे आप लोग भी देख रहे होंगे, बट आप लोग खुद आओगे ना यहाँ पर एक्सपीरियंस करोगे ना तो आपको और मज़ा आने वाला है। एंड अभी ये मतलब इसके जो वायर्स वगैरह इतनी ज़्यादा शार्प है ना कि गौतम के ब्लड निकलने लग गया है। ये जो आप देख रहे हैं ना साइड पर, मतलब थोड़ा सा ये है ही, थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। एंड नीचे अगर आपको दिखाओ ना यहाँ पर कई लोग नीचे बैठे हैं, यहाँ पर ये लोग ना फिशिंग भी कर रहे थे, मैंने देखा था फिशेस वगैरह पकड़ रहे थे। सो ये देखकर आपको पता लग ही क्या होगा कि यहाँ के लोग इस ब्रिज का कितना ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पर जाने के लिए ब्रिज बहुत ज़्यादा यूजफुल है। वहाँ से ये लोग यहाँ से एक दूसरी तरफ भी चले जाते हैं, यहाँ के जो बच्चे हैं स्कूल के वो भी इसी ब्रिज के थ्रू ही आना जाना करते हैं अपना। ये पोलैंड से आया एंड बिल्कुल नहीं डरता ये। Oh, he's showing off, you know. And he's smiling also. Show me your face. Look at his smile. Hello. What's your name? Sayak. आपका नाम? Sayak. Sayak? Sayak. Sayak. अच्छा स्कूल से आ रहे हो अभी पढ़ाई करके? स्कूल कहाँ है आपका? उधर है। रोज ऐसे ही आते हो? जाते भी खुद हो और आते भी पैदल? अच्छा घर कहाँ है आपका? इधर ही है पास में। अच्छा और पढ़ाई करी आज अच्छे से? पढ़ाई करी? कौन सी क्लास में हो? थ्री क्लास में हो गए। ओहो और कितने साल की हो? सेवन इयर्स का है ये छोटू सा। चलो हेलो कदम, बाय। एंड इधर आकर ना ऐसे लग रहा है बिल्कुल जैसे आम सिंपल लिविंग होती है ना, मतलब वो देखने को मिल रही है। सिर्फ छोटे छोटे से घर बने हुए हैं यहाँ के लोकल लोगों के। अगर आप देखोगे जैसे हमारे इंडिया में पिंड होता है ना, मतलब विलेज होता है खेत, वो वाली चीज़ है यहाँ पर देखने को। एंड यहाँ पर बहुत सारी छोटी छोटी ऐसे देखोगे ना बकरियाँ, पीछे यहाँ के लोकल लोग हैं जो बड़ी देर से ना मतलब वीडियोज़ वगैरह बना रहे हैं, जैसे डांस कर रहे हैं, उनके गाने भी चले हुए हैं। एंड यहाँ पर ये ऐसे चारा खा रही है अभी। आई डोंट नो इसका नाम क्या, भाग गई। ये किसकी बकरी है आपकी? अच्छा आप यही रहते हो? कहाँ पे आपका घर? अच्छा ये आपके सामने वाला घर है आपका? अच्छा क्या नाम है आपका? हाँ गोपाल है। गोपाल आप यहीं से ही हैं? अच्छा इंडिया आए हैं कभी? नहीं कभी नहीं। अच्छा
हम लोग भी अभी कल ही आए थे यहाँ पर, तो आज यहाँ पे ब्रिज देखने आए थे, तो यहाँ आसपास का बड़ा अच्छा लग रहा है, शांति वाला जैसे ना। बर्फ गिरता है इधर? स्नोफॉल होती है? होती है। इस साल नहीं गिरी बर्फ? बर्फ नहीं गिरी ना, नहीं गिरी इस साल। वैसे यहाँ पर गिरती है बर्फ, बट ये भी ये कह रहे हैं कि इस साल अभी नहीं गिरी। अभी मौसम तो फिर भी मतलब गर्म ही है, जैसे दिन में धूप निकल जाती है, शाम को ही ठंडा होता है। निकलने के बाद हम लोग बस ऐसे ही जा ही रहे थे, तो हमने थोड़ी सी मोटर व्लॉगिंग भी करी रास्ते में, है ना गौतम? बट हमसे हुई। हाँ, हमने ट्राई करी। सामने कितना बड़ा कुत्ता आ गया, देख के मरी बस। शुक्र है फोन नहीं करा हम लोगों ने। देन अब हम रास्ते में जा रहे थे तो यहाँ पर एक डैम साइट पार्क है, बट यहाँ का ना व्यू बहुत अच्छा रहा, लोग यहाँ पर बैठे भी हुए हैं पीछे। सो अंदर चल के मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके का है। एंड ये भी बहुत बड़ी लेक है यहाँ पर, एंड यहाँ पर भी लोग आमने सामने बैठे हुए हैं, एंड यहाँ पर भी लोग बोट फॉर रेंट कर सकते हैं, मतलब यहाँ पर भी बोटिंग होती है। डैम से निकलने के बाद हम लोग आ गए अपने होटल के पास ही, जो फीवा लेक है ना, बिल्कुल स्ट्रेट हम लोग एंड में आए। यहाँ पर हमने सोचा कुछ खा पी लेते हैं। यहाँ का अगर मैं आपको दिखाऊँ ना, इस लेन में बहुत अमेजिंग से कैफेज एंड रेस्टोरेंट्स है, बिल्कुल ही मेरे पीछे आप देख रहे हो गए ना, म्यूजिक भी चल रहा है। एंड ये देखो बैक साइड पे आप व्यू देखो फीवा लेक का, कितना अच्छे से आ रहा है। जितना हमारे होटल से भी नज़र आ रहा था ना, उससे भी मुझे लगता है बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। यहाँ से पता लग रहा है कि फीवा लेक कितनी ज़्यादा बड़ी लेक है। यहाँ पर आकर ना ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग जब थाईलैंड गए थे ना, तो वहाँ पर भी ऐसे सी के सामने बैठे थे, और यहाँ पर खाने पीने की चीज़ें होती थी, वहाँ पर भी सेम मतलब वही वाली वाइब आ रही है। यहाँ पर आकर भी बहुत देर बाद आया मेरा सैंडविच, एंड लेक साइड बैठकर खा रही हूँ, इसका कुछ अलग ही मजा है। अंदर भी सीटिंग थी, लेकिन यहाँ पर बैठकर जो मजा है ना, वो कहीं और नहीं है। सो अब इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, बिकॉज अगर हम और स्ट्रेच करेंगे तो व्लॉग बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। अब हम लोग डिनर करेंगे एंड जाएंगे सीधा वापस अपने होटल, एंड अगले दिन आपको फिर से मिलेंगे और भी नई वीडियोस के साथ। टिल देन बाय बाय।